सत श्री अकाल दोस्तों, किताब माला मण के लेखक नरेंद्र सिंह कपूर, पेज नंबर 133 अते 134। भारत विच दरिया केवल ब्रह्मपुत्र है, बाकी सब नदियां हन। दलीलबाजी का अर्थ यह हुंदा है कि बहस मुकण नहीं देनी अते फैसला हुण नहीं देना। राजनीति विच जनता की सेवा करन दी इच्छा असल विच उन्हां दे हकूमत करन दा बहाना हुंदी है। मुस्कुराहट तुहाडे चेहरे की बारी विच जगदी रोशनी है, जिस तों पता लगता है कि दिल ठीक ठाक है। सुपनिआं नूं इसलई सच्चे नहीं मन्निआ जांदा क्योंकि इह सथूल नहीं हुंदे, कल्पना ही हुंदे हन। सरकार किसी की बने हार पाउण अते लाभ उठाउण वाले उही रहिंदे हन। असी अपने जीवन विच विकास की जिहड़ी हद मिथदे हाँ उत्थे तक ही जदोजहद करदे हाँ। सुख का आधार यह है कि वस्तां वरतन लई हन अते मनुख प्यार करन लई हन, पर इस नियम नूं उलटाउण नाल दुख उपजदे हन। किसी नूं समझण जाणन तों पहलां असी उसदा शरीर, नैण नक्श अते लिबास वेखदे हाँ। जिथे मनुख का स्वार्थ नहीं हुंदा उत्थे ही उह दूजिआं नाल इंसानां वांग विहार करदा है। आवाज़ की भाल विच निकली मुहब्बत नूं संगीत कहिंदे हन। गलतियां करो जितनियां मर्जी करो, पर वो तुहाड़ियां अपनियां गलतियां होनियां चाहीदियां। हर कोई हरेक समागम ते वक्त सिर पहुंचना चाहुंदा है, पर मुसीबत यह है कि उसके पहुंचने तो पहला ही समागम शुरू हो जाता है। अजे तक कोई केवल अपने आप नूं सुनन नाल सियाणा नहीं होया। किसी देश अंदरली आजादी का पैमाना यह हुंदा है कि उत्थे घट गिणतियां कितनियां सुरक्षित हैं। अखाण मुहावरे किसी बोली की विशालता अते डूंघाई नूं प्रगटाउंदे हन। एक चंगी लाइब्रेरी विच ओह किताबां भी होणगियां जिहड़ियां साडी सोच नाल सहमत नहीं हुंदियां। जिथे मनुख नूं सोचण, बोलण, गलतियां अते नवें प्रयोग करन दी सुतंत्रता होवे, ओह देश कदे भी पछड़िया नहीं हो सकदा। बुढ़ापे विच जदों कोई अपनी जवानी दीआं गल्लां करदा है ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਢੋਲਕੀ ਛਾਣੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਸਨ। ਜੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਗਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੌਖ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਕਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਵੇਖੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਵਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਖੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਨਾਨੀ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਕਾਹਲੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ, ਸੰਤ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਆਦਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪੇਜ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ।